ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदिरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिनि नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तरंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 10 अध्याय क्रमांक 10 हमको बताया गया। अध्याय क्रमांक 10 श्लोक नंबर 5 और 6 सही है। अध्याय 10 देवताओं तथा वृत्रासुर के मध्य युद्ध। आज का श्लोक क्रमांक है 5 और 6। श्लोक क्रमांक 5 श्री देवा उचुहु किमनु तदुस्तजम् किमनु तदुस्तम ब्रह्मन् किमनु तदुस्तजम् ब्रह्मन् पुंसाम भूतानुकंपिनाम भवद्विधानां महताम पुण्यश्लोकेड्य कर्मणां। शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। श्री देवा उचुहु देवताओं ने कहा किम क्या नु निस्संदेह तत् वह दुस्त्यजम चोड़ना कठिन
ब्राह्मण, हे पूज्य ब्राह्मण, पुमसाम मनुष्यों का भूत अनुकंपिनाम जीवात्माओं के दुखों के प्रति अत्यंत सहानुभूत लोग भवत विधानाम आप जैसे महताम महान पुण्य श्लोक ईड्य कर्मणाम जिनके पुण्य कार्यों की सभी विद्वान प्रशंसा करते हैं। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप जैसे पवित्र तथा प्रशंसनीय कार्यों वाले पुरुष सभी व्यक्तियों पर परम दयालु एवं वत्सल होते हैं। ऐसी पवित्र आत्माएं परोपकार के लिए क्या नहीं दे सकती, वे सब कुछ यहाँ तक कि अपना शरीर भी दे सकते हैं। कृपया दोहराइए, देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप जैसे पवित्र तथा प्रशंसनीय कार्यों वाले पुरुष सभी व्यक्तियों पर परम दयालु एवं वत्सल होते हैं। ऐसी पवित्र आत्माएं परोपकार के लिए क्या नहीं दे सकती, वे सब कुछ यहाँ तक कि अपना शरीर भी दे सकती है। इस श्लोक का तात्पर्य नहीं है, हम इसको श्लोक क्रमांक 6 हम पढ़ेंगे। नूनं स्वार्थपरो लोको न वेद पर संकटम् यदि वेदन याचेत नेति नाह यदीश्वरः नूनं स्वार्थपरो लोको न वेद पर संकटम् यदि वेदन याचेत नेति नाह यदीश्वरः। शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, नूनम निश्चय ही स्व अर्थ पर इस अथवा अगले जीवन में मात्र इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखने वाला लोक सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति न नहीं वेद जानते हैं पर संकटम अन्यों का कष्ट यदि वेद जानते हैं न नहीं याचेत मांगे न नहीं इति इस प्रकार न आह कहता नहीं यत चूंकि ईश्वर दान देने में समर्थ। जो नितांत स्वार्थी होते हैं वे अन्यों के पीड़ा को सोचे बिना उनसे कुछ याचना करते हैं, किंतु यदि याचक दाता की कठिनाई को जान ले तो वह कोई वस्तु न मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है वह याचक भिखारी की कठिनाई नहीं समझ सकता। वह याचक भिखारी की कठिनाई नहीं समझता, अन्यथा तो कुछ भी वह मांगे वह उसे देने से इनकार नहीं करेगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की इस श्लोक में दो प्रकार के लोगों का वर्णन है, एक वे जो दान देते हैं और दूसरे वे जो दान मांगते हैं। भिक्षु को चाहिए
कि वह संकटग्रस्त मनुष्य से दान न मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है उसे चाहिए कि वह भिक्षुक को इनकार न करे। शास्त्र के यही नैतिक उपदेश हैं। चाणक्य पंडित का कहना है, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। इस संसार के प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाएगी, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग सत्कार के लिए कर लेना चाहिए। यदि कोई ज्ञान में उन्नत है तो उसे सत्कार के लिए कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस समय संपूर्ण विश्व ईश्वर विहीन सभ्यता के दौर में रहने से भयानक परिस्थिति में है। कृष्ण भावना आंदोलन को ऐसे अनेक विद्वान पुरुषों की आवश्यकता है जो ईश्वर की चेतना भक्ति को संपूर्ण जगत में पुनरुज्जीवित करने के लिए आत्म बलिदान कर सके। अतः हम समस्त विद्वान पुरुषों तथा स्त्रियों को इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होने एवं मानव समाज में भगवत भावना को पुनरुज्जीवन करने हेतु आत्म बलिदान करने के लिए आह्वान करते हैं। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुम उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातां सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। पुनः एक बार सभी भक्तों का मैं आदरपूर्वक स्वागत करता हूँ आज का इस भागवत वर्ग के लिए। अभी स्कंद छठे और अध्याय क्रमांक 10 चल रहा है। हम इसके पहले सुन चुके हैं कि भगवान देवताओं का प्रार्थना सुनकर जब भगवान प्रकट हुए और भगवान सभी देवताओं को कहते कि आप दधीचि मुनि के आश्रम में जाइए और उत्तरासुर का वध के लिए उनका शरीर का हड्डियों को मांग लीजिए, क्योंकि दधीचि मुनि का जो हड्डी है वो मेरे तेज से प्रबल है और उससे एक शस्त्र बनाकर वज्रायुध शस्त्र बनाकर रुद्रासुर को मार सकते हैं। ये भगवान सभी देवताओं को एक सुझाव देते हैं और इंद्र आदि देवतागण दधीचि मुनि का आश्रम में जाते हैं और दधीचि मुनि को इस प्रकार पूछते हैं। ये पहला जो पांचवा जो श्लोक है, तो दधीचि मुनि हालांकि महान ए महर्षि थे और परोपकार के लिए सर्व कुछ त्याग करने में समर्थ थे और वो इच्छुक भी थे। वो जानते थे कि भगवान का प्रेरणा से ये देवतागण मेरे पास आए हैं और मुझे मेरा शरीर देना चाहिए, लेकिन फिर भी देवतागणों को एक धर्म का उपदेश देने के लिए उन्होंने अपना शरीर देने के लिए प्रारंभ में नकार दिया और इस प्रकार बोल रहे कि ये शरीर सबके लिए प्रिय है। श्लोक क्रमांक 4 में सबके लिए शरीर प्रिय होता है, व्यक्ति भला अपना शरीर कैसा दे सकता है दूसरों को, ऐसा देवताओं को प्रश्न पूछ रहे। फिर देवता लोग बोलते हैं, किम नु तदुस्तजम ब्रह्मन
पुंसाम भूतानुकंपिनाम भवद विदानाम महतम पुण्य श्लोकेड्य कर्मणाम। देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मन, आप जैसे पवित्र तथा प्रशंसनीय कार्यों वाले पुरुष सभी व्यक्तियों पर परम दयालु एवं वत्सल होते हैं, ऐसी पवित्र आत्माएं परोपकार के लिए क्या नहीं दे सकती। वे सब कुछ, यहाँ तक भी अपना शरीर भी दे सकते हैं। तो दधीचि मुनि का दधीचि मुनि के आश्रम में इंद्र जी गए हैं और उनको अभी संभाषण चल रहे। ओके, आज थोड़ा तो दधीचि मुनि महापुरुष है और वो देवताओं को धर्म के उपदेश करने के लिए उनको टेस्ट कर रहे। और जब दधीचि मुनि ने ऐसा बताया तो देवताओं उनको कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रहे कि हे ब्रह्मन, आप जैसे पवित्र तथा प्रशंसनीय कार्य करने वाले पुरुष सभी व्यक्तियों पर परम दयालु एवं वत्सल होते हैं, ऐसे पवित्र आत्माएं परोपकार के लिए क्या नहीं दे सकती। वे सब कुछ, यहाँ तक कि अपना शरीर भी दे सकते हैं। तो देवताओं का अपना कार्य है कि अपना कार्य संपन्न करने के लिए वो ऐसा उनका शरीर भी मांग रहे हैं। हम पहले सुने हैं कि इंद्र जो दधीचि मुनि का एक बार दधीचि मुनि के ऊपर क्रोध करके दधीचि मुनि का गला भी काटे थे इंद्र, और वही इंद्र को भगवान ने आज प्रेरणा दिए है, तुम जाके दधीचि मुनि का हड्डी को मांगो। एक कितना कठिन कार्य है, जिसको पहले ही शत्रु बने हैं और उसका हड्डी मांगने के लिए अभी जा रहा हूँ अपना कार्य साधने के लिए। तो ये भगवान का एक महत्ता है इसमें। तो भगवान जब किसी से मांगते हैं वो भी बहुत अद्भुत है, और किसी को कुछ देते हैं वो भी अद्भुत है, और किसी से कुछ हरण करते हैं वो भी अद्भुत है। जब बलि महाराज के यज्ञ में भगवान वामन अवतार धारण करके आए थे, बलि महाराज का सब कुछ हरण किया, तब प्रहलाद महाराज जी प्रार्थना में बोल रहे, हे भगवान, आपका किसी से छीनना भी बहुत अद्भुत है और किसी को आप कुछ देते हैं वो भी बहुत अद्भुत है। तो भगवान ने यही उनको सिखाया, तुम जाके उनको मांगो। तो अगले श्लोक में ये कह रहे कि व्यक्ति को अगर मांगने के, जिसको मांगने के लिए जाते हैं उसको अगर वो अगर संकट में है तो उससे कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो यहाँ जो नितांत स्वार्थी होते हैं वे अन्यों की पीड़ा को सोचे बिना उनसे कुछ याचना करते हैं, किंतु यदि याचक दाता की कठिनाई को जान ले तो वह कोई वस्तु न मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है वह याचक की कठिनाई नहीं समझता, अन्यथा जो कुछ भी वह मांगे वह उसे देने से इनकार नहीं करेगा। तो जो परोपकारी लोग हैं वो अपना सब कुछ दे देने के लिए तैयार होते हैं, और जो भगवत प्रेमी हैं, भगवान का भक्त है, तब भगवान का जो आदेश मिला है तो भला वो क्यों नहीं देगा। तो दधीचि मुनि का जो महर्षि, भारत में इतना ख्याति है उनका, भारत सरकार ने कई साल पहले उनका एक पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज किए थे दधीचि मुनि का, ये मेरे ख्याल से 60 पैसा का एक स्टैम्प था, क्योंकि इनका जो परोपकार और त्याग भावना जो है भारत में सबको सिखाने के लिए, और आजकल कई हॉस्पिटल में इनके फोटो लगाया जाता है
कि लोग बोलते हैं कि आप अगर व्यक्ति मरने के बाद अपने सारे अवयव को दान कर सकता है, जैसे कि आंखें है, लीवर्स है, तो राजस्थान में बहुत बड़े बड़े लोग पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं मेरा मरने के बाद मेरा आईज को मैं दान करूंगा, हार्ट को दान करूंगा। तो हॉस्पिटल में बोलते हैं कि मरने के बाद 2 दिन तक शरीर जो है उसका सभी पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। खैर, यहाँ दधीचि मुनि का एक बहुत बड़ा महानता है और इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि 2 प्रकार के लोगों का वर्णन है, एक वे जो दान देते हैं और दूसरे वे जो दान मांगते हैं। भिक्षु को चाहिए कि वे संकटग्रस्त मनुष्य से दान न मांगे। लेकिन भगवान जब लीला करते हैं तो आदमी को संकट में डालते हैं। एक ऐसा कहानी है, एक सत्य घटना है, आप सब शायद सुन चुके हैं। भारत में मध्व संप्रदाय में एक बहुत बड़े पुरंदरदास वैष्णव, सन 1400 में बहुत बड़े वैष्णव थे और उन्होंने कर्नाटक के जो संगीत है, खास करके ये वैष्णव संगीत जो भजन वगैरह है, उसके वो पितामह माना जाते हैं। उन्होंने बाद में बहुत कुछ उसमें कर्नाटक के संगीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये एक उनके पूर्व काल में वो बहुत बड़े धनी थे, एक धनी डायमंड व्यापारी के पुत्र थे। तो इनके पिता का नाम था वर्धप्पा नायक, ये बहुत बड़े श्रीमंत धनी थे कर्नाटक में, और इनके माता का नाम था लीलावती, और ये पुरंदरदास का पूर्व का नाम था श्रीनिवास नायक। और ये बहुत बड़े धनी थे, लेकिन ये अकेले पुत्र थे श्रीनिवास नायक। बचपन से ही इनका स्वभाव ऐसा था, वो बहुत ही कंजूस थे, किसी को कुछ नहीं देते थे, एक पैसा भी नहीं देते थे, और वो चाहते थे कि मैं शतकोटि श्रीमंत बनूं, 100 करोड़ उनको कमाने का था, इसलिए किसी को कुछ नहीं देते थे। और जब उनका एक डायमंड शॉप था, उस शॉप को संभालते थे, कभी कोई भिक्षुक आया तो उसको ऐसा ही हकल देते थे, घर में कोई गेस्ट आएगा, इसलिए जब भी गेस्ट आते हैं तो घर वगैरह बंद करके पत्नी को लेके जाते थे बंद करके, तो कोई आएगा घर में बोल, इतने धन था उनके पास। लेकिन इनकी जो पत्नी थे सरस्वती बाई, बहुत ही भगवान के भक्त थी, बचपन से बहुत ही अच्छे संस्कार की थी, वो पति को इतना डरती थी, क्योंकि पैसे का जब बात आती तो पत्नी को बहुत डांटते थे, तो इसलिए वो कुछ मांगती नहीं थी। तो भगवान चाहा कि इस व्यक्ति के पास मुझे जाके कुछ मांगना चाहिए, देखिए जो आदमी पहले ही संकट में है उसको और भी संकट में डालना चाहते हैं भगवान। तो भगवान एक दिन एक ब्राह्मण के वेश में आए और इसी श्रीनिवास नायक के दुकान में जाके याचना करने लगे कि हे धन, आप धनी हैं तो मेरे पुत्र का उपनयन संस्कार करना है, तो इसलिए कुछ तो दान दीजिए। तो उन्होंने बोले कल आ जाओ, भेज दिया। फिर भगवान वो ब्राह्मण फिर से कल आए, फिर परसों आ जाओ, ऐसा बहुत दिन 3-4 दिन तक उनको हकलते रहे। तो बाद में भगवान भी अगर मांगते हैं तो उनका अद्भुत है, तो फिर से आ गए भगवान। तो इसको अभी क्या करने, इतनी बार आ रहा है, तो एक ड्रॉवर खोल के उसमें एक एकदम फटा हुआ जुना एक नाण्य था, एक कॉइन था, 1 पैसा, और उसको उन्होंने फेंक दिया, ये लेके जाओ। तो फिर वो ब्राह्मण ने 1 पैसा लिया और वहाँ से निकल गए। तो जाके उनके घर में गए, उनके पत्नी थी सरस्वती बाई,
तो जाके उन्होंने बहुत ही विनयतापूर्वक ब्राह्मण के रूप में भगवान ने उस सरस्वती भाई से याचना की है कि हे देवी, आप बहुत श्रीमंत हैं और मेरे जैसा ब्राह्मण को आप मदद कर सकते हैं। मेरे पुत्र का उपनयन संस्कार है, इसलिए थोड़ा आप दान दीजिए। और ये सुनकर सरस्वती बाई का हृदय पिघल गया। ये ब्राह्मण आए हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी इनको कुछ देना चाहिए। तो अंदर भगवान के जो अल्टर में गई, तो उसको प्रेरणा मिली कि उसके पास एक नथ थी, नथ नाक में जो डालते हैं, वो शादी के समय में उनके पति उनको दिए थे, बहुत ही एक कीमतीदार नथ थी, नथनी। तो वो तुरंत उसने वो नथ को लेके आई और वो ब्राह्मण के पास दे दी, आप इसको लेके जाओ। और ये ब्राह्मण तो भगवान है, तो जाकर वही वही दुकान में आ गए और ये ब्राह्मण इसको बेचना चाहते हैं। तो ये पुरंदर दास जो श्रीनिवास नायक के दुकान में आए और उनको बोले, ये मेरे पास नतनी है, आप इसको लीजिए और इसके बदले मुझे पैसे दीजिए। तो उन्होंने हाथ में लिया, अरे तुम्हारे पास कैसा आया, मेरे पास तो अभी तुम भीख मांगने के लिए आया था, नतनी कहाँ से आया। तो जब उसने हाथ में ले लिया, ये बहुत ही एक कीमतदार, वेरी कॉस्टली ये नथनिया है, तो उसको देख के आश्चर्यचकित हुआ, ये वही नथनी है जो मैंने मेरे पत्नी सरस्वती बाई को दे दिया था, ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो उसने बोला कि अंदर उसको थोड़ा बहुत पैसा देकर ड्रॉअर में रख कर लॉक कर दिया और तुरंत घर भाग गए। घर जाने के बाद सरस्वती को बुलाया, देखो मैं तुम्हारे शादी में जो नथनी दिया था वो कहाँ है, वो दे दो, वो दिखा दो कहाँ है। तो सरस्वती भाई एकदम घबरा गई, ये मेरा पति को कैसा पता चला। तो फिर अभी इसको इनको पता चला अगर मैं दे दिया हूँ ब्राह्मण को तो मुझे बहुत डांटेंगे। तो वो जाके भगवान का जो मंदिर था घर में, वहाँ जाके रोने लगे बेचारे। तो उसने सोची अभी बेहतर है मुझे विष खाकर मर जाओ, क्योंकि इतना डरती थी। तो एक वाटी ले ली, एक कटोरा लेके उसमें विष बॉटल से निकाल के विष को पीने वाली थी, तब उसी वाटी में वो नतनी गिर गई, भगवान ने उसको उसमें डाल दिया। तो देखती आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन भगवान के ऊपर बहुत विश्वास थी उसको, तो एकदम अपने आंसू पूछ कर बाहर आ गई और अपने पति के हाथ में वो नतनी दे दिए। और जैसा हाथ में मिल गया श्रीनिवास नायक एकदम इतना आश्चर्य हो गए, ये कैसा संभव है, यही नतनी एक ही गांव में मेरे दुकान में भी है और इधर भी है। तो फिर से दौड़ते दौड़ते दुकान में गए और वो ड्रॉअर खोल के देखा तो वो दो नतनी सेम है। वो ड्रॉअर जब खोले तो वो नथनी नहीं था, ड्रॉअर खोला तो वो नथनी नहीं था। और ये कैसा संभव है, मैंने तो लॉक करके गया था, दरवाजा भी लॉक किया है। तब उनके मन में एकदम भगवान के प्रति, हाँ भगवान आपने मुझे सिखाने के लिए सब किया है, अब ब्राह्मण के वेशधारी जो आए हैं कि ये स्वयं भगवान ही है। तब उन्होंने उनके मन में वैराग्य आ गया, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, पूरा संपत्ति कर्नाटक में 1400 साल में उन्होंने पूरा संपत्ति बांट दिया, एकदम भिखारी जैसे वो घर छोड़कर पत्नी के साथ गए। मध्व संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा लिया, फिर बाद में पुरंदर दास नाम उसने बहुत विख्यात एक वैष्णव, आज भी उनके जो वैष्णव संगीत जो है बहुत ही सुप्रसिद्ध है कर्नाटक में। तो इस श्लोक में ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति को परोपकार के लिए अपने सब कुछ देना चाहिए। तो वैष्णव उनका जो आचार है दूसरों के लिए, दूसरों का हित के लिए सब कुछ देने के लिए वो तैयार रहते हैं। ऐसा अनेक उदाहरण है, रामानुजाचार्य को जब उनके गुरु से, श्री संप्रदाय के जो प्रवक्ता है, तो उनके गुरु से जब दीक्षा मिला
तो गुरु ने बोला इस मंत्र का क्या लाभ है, इस मंत्र के प्रभाव क्या है, कि कोई भी एक बार भी ये मंत्र भगवान का सुन लेगा तो इस भौतिक संसार से वो निकल जाके भगवान भगवत धाम चले जाएगा। लेकिन अपने गुरु इनको बताए थे श्री रामानुजाचार्य को, इस मंत्र को मैंने आपको जो दिया है ये किसी को न बताना। तो उन्होंने पूछा मैं अगर बताया तो क्या होगा, तुम नरक में जाओगे। तो रामानुजाचार्य अपने बारे में नहीं सोचे, अगर इस मंत्र को लोग सुनते हैं तो सब भगवत धाम चले जाएंगे। तो उन्होंने सोचा मैं अगर नरक में गया तो भी चलेगा। तो एक दिन अपने गांव से एक टीला था, वो टीला के ऊपर खड़े होकर सबको बुला रहे, आप सब आ जाओ, मैं आपको सब भगवत धाम जाने के लिए मार्ग दिखाऊंगा। तो जोर से मंत्र का उच्चार करने लगे और सब लोग सुने। और बाद में इनके गुरु को पता चला, गुरु ने उनको बुला के बहुत डांट लिया, मैंने तुमको मना कर दिया था लोगों को बोलने के लिए। तो फिर इन्होंने हाथ जोड़ के, गुरु महाराज आपने जो आज्ञा दिया था मुझे वो मंजूर है, अगर मैं नरक में भी गया तो चलेगा, लेकिन इतने सब लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो गुरुजी ने उनका मन का बात को समझकर ठीक है तुम जाओ बोल के छोड़ दिया उनको। तो ऐसे महान महान जो भगवान के जो संत लोग हैं और भगवान के जो प्रेमी हैं, तो अपने स्थिति को या अपने सुख को छोड़कर दूसरों को उपकार करने चाहते हैं। तो हमारे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। श्रील प्रभुपाद जी ने 70वें साल में, हम सब जानते हैं कि किस तरह उन्होंने सब कुछ छोड़कर इस गुरु का आज्ञा को पालन करने के लिए अमेरिका गए। तो एक बार कृष्णानंद प्रभु बोल रहे थे कि जैसा युद्ध में होता है कि कोई भी अगर देश के ऊपर नुकसान करना है तो उसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर बॉम्ब डाला जाता है, जैसा कि अमेरिका और जापान में युद्ध हो गया, युद्ध छोड़ दिया 1942 में। तो अमेरिका ने जापान का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है उसके ऊपर बॉम्ब डाल दिए थे, तो हिरोशिमा नागासाकी दोनों जो सिटीज़ है वो ध्वंस हो गए थे, वो पूरा जापान, आधा का आधा जापान पूरा सर्वनाश हो गया था। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी, माया का हेडक्वार्टर्स अमेरिका है, तो माया के हेडक्वार्टर्स में जाके हरे कृष्ण मंत्र का बॉम्ब डाल दिए। तो योद्धा जो होते हैं वो बहुत बड़े रिस्क लेते हैं कोई कार्य करने के लिए। तो वैष्णव जो महान वैष्णव लोग हैं, संत लोग हैं, वो बहुत बड़े रिस्क लेते हैं कि किसी कुछ उपकार करने के लिए। तो अपने शरीर का क्या कहना, अपना शरीर के बारे में वो सोचते भी नहीं। तो षड गोस्वामी इसी प्रकार सभी अपना सुख को त्याग दिए। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी बहुत बड़े मंत्री थे, लेकिन भगवान का इस प्रचार कार्य के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु तो तो षड गोस्वामी को हम गाते हैं, त्यक्त्वा पूर्णमशेष मंडलपतिम श्रेणीम सदा तुच्छवान भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपिन्य कंठाश्रितो। ये गोस्वामी अपने अपने मंत्री, जमींदार तथा विद्वान पदों को त्याग करके श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में संसार की पतित आत्माओं पर अनुग्रह करने के लिए सम्मिलित हो गए। दीन गणेश को करुणया, उन्होंने भिक्षुक के जीवन स्वीकार किया। वे केवल लंगोटी तथा फटी गुदड़ी कंथा धारण करते हुए वृंदावन में रहने लगे और श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते थे, जिससे वृंदावन की विगत कीर्ति पुनः खोद सके। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं सब कुछ त्याग कर पतित जीवों का उद्धार करने के लिए सब संपत्ति को छोड़ दिए। तो भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिनको
ग्यारहवें स्कंद में नारद मुनि और वासुदेव जी का जो संभाषण है, तब ये प्रार्थना है। त्यक्त्वा सुधुस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सित अन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं। हे महापुरुष, मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। आपने लक्ष्मी देवी तथा उनके सारे ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया, जिसे त्याग पाना अत्यंत कठिन है और जिसकी कामना बड़े बड़े देवता तक करते हैं। इस तरह धर्म पथ के अत्यंत श्रद्धालु अनुयायी होकर आप ब्राह्मण के शाप को मानकर जंगल के लिए चले पड़े। आपने मात्र अपनी दयालुतावश पतित बद्ध जीवों का पीछा किया, जो सदैव माया के मिथ्या भोग के पीछे दौड़ते हैं, और उसी के साथ अपनी वांछित वस्तु भगवान श्याम सुंदर की खोज में लगे भी रहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है कि भगवान का जो तीनों रूप है, श्री राम जी, श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, वो तीनों का एक ही श्लोक में अलग अलग वैष्णव लोग इसको अलग अलग अर्थ देते हैं कि एक ही श्लोक तीनों अवतारों का वर्णन करता है। तो चैतन्य महाप्रभु जीवों का उद्धार के लिए सब कुछ त्याग कर दिए। तो चैतन्य महाप्रभु द्वापर युग में, द्वापर युग के अंत में ही बताए थे कि मैं कलयुग में एक ब्राह्मण के वेश में जीवों को उद्धार करने के लिए आऊँगा। यही जो कल देवानंद पंडित प्रभु जी बोल रहे थे यात्रा में, तो इमलीतल जो प्लेस है, ये जो स्थान है, इधर भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार को गोपियों को दिखाए थे, इसलिए वो जो स्थान है बहुत ही पवित्र स्थान है। तो पद्म पुराण में इसका वर्णन है, कलेह प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। तो भगवान ने पहले ही अपने रूप को गोपी जनों को दिखाए थे, इसलिए वो जो जब फिर बाद में जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए थे, तो कल हम जहाँ गए थे अक्रूर घाट में, वहाँ रहते थे और रोज जप करने के लिए यही स्थान में आते थे, इमलीताल। तो आज के इस श्लोक में यही बताया गया है कि प्रभुपाद जी सबको आह्वान दे रहे हैं कि व्यक्ति को, जो सदृढ़ व्यक्ति है, तो यही कृष्ण भावनामोहित आंदोलन के लिए, इसका प्रचार कार्य के लिए अपना सब कुछ त्याग कर इतर जीवों के लिए हम भी मदद करना चाहिए। देखिए, अपना इस्कॉन संस्था में बड़े बड़े वैष्णव हो गए कि उन्होंने प्रचार कार्य के लिए पूरा अपना तन मन धन सब कुछ त्याग कर इस कार्य में लगे हैं। बहुत सारे ऐसा उदाहरण है, खास करके रशिया का भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। एक पुस्तक है रशिया में, द सॉल्टेड ब्रेड, तो उसमें तीन जो भक्त है, किस प्रकार उन्होंने, क्योंकि रशिया में ये प्रचार कार्य करना उस समय प्रभुपाद जी के समय बहुत कठिन था, और उन्होंने, पुलिस लोग जब भी भक्त लोगों को देखते हैं तो जेल में डालते थे। ये तीन भक्तों को उन्होंने जेल में डाला था, और जेल में जो खाना देते थे वो, क्योंकि वैष्णव बन चुके थे, जेल में खाना नहीं खाते थे वो, जो तो जो ब्रेड देते थे उसमें से एक भक्त और उसके माला और जपमाला सब छीन लिए थे पुलिस लोगों ने। तो ये ब्रेड से उन्होंने जपमाला बनाया और अंदर जेल में वही ब्रेड से वो जप करते थे। एक महीना तक कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, और उन्होंने शरीर त्याग दिया। और उसमें दूसरे जो भक्त थे, वो जब
ये पुलिस लोग जो हिंसा देते थे उसका सब वर्णन ये सॉल्टेड ब्रेड बुक में किया है। और वही प्रभु जी एक बार जूहू में आए थे, वो पूरा उनके स्टोरी बता रहे थे, पुलिस उनको कैसा शिक्षा देते थे, उनके हाथों को ये दरवाजा के जो गैप होता है ना उसमें हाथ रखकर दरवाजा बंद करते थे, यानी पूरा इसको दबा देते थे हाथ को, और इसको बोलते थे हरे कृष्णा मत बोलो, और फिर भी ये हंसते हंसते हरे कृष्णा बोलते थे। इतना शिक्षा अनुभव किया है। और जूहू में एक प्रभु जी है, वो भी प्रभुपाद जी के साथ रशिया गए थे और वहाँ उन्होंने बहुत प्रचार किया, उनको भी जेल में डाले थे। लेकिन एक बार उनको पूछा, क्या तुम आजीवन कारागार में रहेगा या तुमको हम तुम्हारा जो शरीर है इसको पैरालिसिस करके हम छोड़ेंगे। तो इन महान भक्त है, इन्होंने सोचा अगर कारागार में रहने से ये बेटर है, मेरा शरीर आधा भी खत्म हुआ, आधा शरीर से मैं प्रचार करूँगा। तो उनका हाथ पैरालिसिस किया है और प्रभु जी अभी भी जूहू में हैं और वो बहुत प्रचार करते हैं, और प्रभुपाद जी के टाइम से अभी तक, और पूरा इस्कॉन का टीवी भी संभालते हैं प्रभु जी। तो इस प्रकार इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को इस भगवान के कार्य में लगना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, इतर जीवों को मदद करना चाहिए, तो अपने जीवन सार्थक करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, भारत भूमि ते हैला जन्म, मनुष्य जन्म इसको सार्थक करो और दूसरों के परोपकार ये करो कि कृष्ण भावना दूसरों को दे दो। तो इस श्लोक के तात्पर्य में यही है कि जैसा कि ये बहुत बड़े उदाहरण हैं भागवतम में, जो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, ये दधीचि मुनि जैसे जो महान पुरुष अपने शरीर को दे दिया, दूसरों का कार्य के लिए अपना शरीर भी दे दिया, तो ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। और इधर प्रभुपाद जी आह्वान कर रहे भक्तों को कि आप सब कुछ ठीक ठाक रहकर प्रचार करो, इस आंदोलन में सब लोग जुड़ जाओ। तो दधीचि मुनि का इतना शक्ति कहाँ से आया? तो पुराण में ऐसा कथा है कि दधीचि मुनि को भगवान शंकर ने वरदान दिए थे कि एक बार माता पार्वती के ऊपर एक असुर ने अटैक करने के लिए आया था, तब दधीचि मुनि वहाँ थे, उनका शक्ति से उन्होंने वो राक्षस को उन्होंने रोका, तो माता पार्वती बहुत प्रसन्न हो गए। तब शिवजी उनको देखकर उनको वरदान दिए थे, आपका जो हड्डी है वो वज्र के समान बन जाएगा, तो उन्होंने वरदान दिए थे। और इसी को भगवान कृष्ण जानते थे कि दधीचि मुनि का हड्डी वज्र जैसा है, तो इसलिए इस देवतागणों को वो बोल रहे, भगवान ने बोले थे कि दधीचि मुनि के पास जाके तुम हड्डी मार लो, तो उन्होंने सब कुछ दे दिया। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।